हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की चटनी। हरी मेथी की चटनी बनाएंगे। एक बंच मैंने मेथी लिया था, इसके पत्ते और निकाल लिए और डंडी को अलग कर लिया है। दो तीन पानी से अच्छे से मैंने वॉश करके जाली वाले बास्केट में रख लिया है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए इसका। बाकी की चीजें देख लेते हैं। इमली का पल्प लिया है 2 चम्मच, एक बड़ा चम्मच तुअर दाल लिया है, अरहर की दाल, एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, 7 से 8 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने सरसों ऑयल लिया है, 1 टमाटर को कट कर लिया है, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल है, 1 छोटा चम्मच राई है, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है और 3 साबुत लाल मिर्च लिए हैं। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे गरम होने के लिए। दाल को इसमें डाल लेंगे, जीरा, काली मिर्च, साथ में साबुत लाल मिर्च भी डाल लेंगे, इसकी डंडी तोड़ के हटा देंगे और इन सबको ड्राई रोस्ट ही कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से रोस्ट हो गया है, नारियल भी इसमें डाल लेंगे, साथ में इसको भी हल्का सा भून लेंगे। सारी चीजें अच्छे से भुन गई है, प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, 1 चम्मच इतना। मेथी पत्ता डाल लेंगे, इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मेथी पत्ता भून गया है, टमाटर डाल लेंगे इसमें, टमाटर को भी भून लेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे दबा रही हूँ तो अच्छे से दब रहा है। गैस को ऑफ कर लेंगे, प्लेट में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने मिक्सी में डाल लिया है, नमक भी डाल लेंगे, इमली का पल्प, जरूरत के अनुसार इसमें पानी डाल लेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। मेथी की चटनी पीसकर बिल्कुल रेडी है, किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे इसको। चटनी में तड़का लगा लेंगे, तो गैस ऑन कर लेते हैं, तड़का पैन लेंगे। ऑयल डाल लेंगे, गरम होने देंगे ऑयल को। ऑयल गरम हो चुका है, राई डाल लेंगे, राई को अच्छे से कड़कने देंगे। राई अच्छे से कड़क चुका है, तड़का लगा लेंगे चटनी में। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।